से की, लेकिन अब हम अपनी मध्य प्रदेश की सीटों का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट की बात करेंगे, हॉट सीट, हॉटेस्ट सीट भी आप कह सकते हैं। दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में, वोटिंग पूरी, 4 जून का इंतजार है, नतीजों से तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन हिस्ट्री आपको जान लेना चाहिए, हर पढ़े लिखे वोटर को यह हिस्ट्री समझ लेनी चाहिए। राजगढ़ लोकसभा 2004 46%, 2009 51% से ज्यादा, 2014 64% से ज्यादा, 2019 बंपर वोटिंग 74% से ज्यादा, 2024 की बात कर ली जाए 76% से ज्यादा। ज्यादातर जो ड्रॉप देखने को मिला है बावजूद इसके 2019 और 2024 में, ये वोटिंग की बढ़त है। इसी ने दरअसल ऊंट को भी कंफ्यूज कर दिया, वही राजनीति वाला ऊंट, किस करवट वो बैठेगा। खैर, वोट शेयर 2004 47% बीजेपी के खाते में, 41 कांग्रेस के खाते में, 2009 45% बीजेपी के पास, 49% कांग्रेस के पास रहा, 2014 59% और 36%, 2019 65% 31% मार्जिन। देखिए किस तरीके से अचानक से बढ़ता है। यह हो गई राजगढ़ लोकसभा की स्थितियां। अब राजगढ़ लोकसभा में जीत के मार्जिन को समझ लीजिए। 2004 36,000 का मार्जिन बहुत बड़ी जीत नहीं है, 2009 24,988 का मार्जिन बहुत बड़ी लीड नहीं है, लेकिन 2014 और 2019 में बंपर मार्जिन बना दिया गया। 2014 228,000 से ज्यादा, 2019 431,000 से ज्यादा। यह स्थितियां हैं जीत के मार्जिन की। और इसके अलावा हमारे पास क्या हिस्ट्री वो जान लीजिए। लक्ष्मण सिंह 2004 में भाई हैं दिग्विजय सिंह के, नाराज होते रहते हैं अक्सर, चाचौड़ा से इन्हें इस बार मुकाबले में उतारा गया था। नारायण सिंह 2009 रोडमल नागर, 2014 रोडमल नागर, 2019 2024 में भी रोडमल नागर पर ही भरोसा जताया गया है। अब कुल चुनाव यहां पर 18 हुए हैं, बीजेपी के खाते 4, कांग्रेस के खाते 9, जनसंघ के खाते में 2 चुनाव और निर्दलीय के खाते में 1 चुनाव, जनता पार्टी के खाते में 2 चुनाव। कुल 18 चुनाव में कौन कितने चुनाव किसके खाते में गए ये भी आप जान लीजिए। इसके अलावा अब जो मुकाबला आता है वो क्या है, रोडमल नागर पुराना चेहरा बनाम दिग्विजय सिंह, ये इनका कार्यक्षेत्र राजा साहब जिसे कहते हैं, वो दिग्विजय सिंह इस इलाके के हैं। और यही वजह है कि करीब मेरा ख्याल है कि 30-40 सालों बाद वो इस तरह से यहां पर लौटे हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब राजगढ़ सीट को लेकर हम चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अनिल सर, राजगढ़ की हिस्ट्री बार बार, दरअसल ये सीट इतनी दिलचस्प होती जा रही है कि राजनीति के जो जानकार हैं वो भी बड़े कंफ्यूज हैं। एक तो 2% तकरीबन 2% की वोटिंग बढ़ जाती है, तो क्या वोटिंग ट्रेंड खिलाफ में चला जाएगा या किस तरह की स्थितियां हैं राजगढ़? सर अनिल सर। हाँ ललित जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि तो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब से वोटर परसेंट वहां पर बढ़ा है, 14 में और 19 में, और उसके बाद 24 में और ज्यादा हुआ है। निश्चित रूप से जो 24 में मतदान हुआ है उसमें दोनों ही कारण है, एक देरिया से भी कारण हो सकते हैं क्योंकि ये निचले तबके तक जुड़े हुए हैं, दूसरा मोदी की लहर भी है, इस कारण यहाँ पे दोनों ही, भाजपा ने भी सक्रियता दिखाई है और कांग्रेस ने भी अपने नेता के लिए सक्रियता दिखाई, इसीलिए वोटर परसेंट बढ़ा है। निश्चित रूप से मुकाबला अच्छा है अब की बार, जो पहले इतनी बड़ी लीड मिली थी बीजेपी को शायद वो ना मिल पाए, ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह जो मजे हुए राजनेता है और अभी तक वो मेरे ख्याल से 1989 में है, उनको हारे थे, 84 में जीते थे, 84 में उस समय लहर थी कांग्रेस की, उसके बाद वो उनको जीत 89 में हारे और 91 में फिर जीते, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, इसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और 30-32 साल बाद उनका राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जाना हुआ है। इससे पहले उनके भाई भी रह चुके हैं राजगढ़ से, ठीक, सांसद, उनका बेटा भी पहले विधायक है, तो निश्चित रूप से राजगढ़ उनका चूंकि राजगढ़ क्षेत्र है इसलिए भाजपा के लिए भी सीट इतनी आसान नहीं है और कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं है। मुकाबला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माने देखा जा सकता है। जी जी जी, बहुत तगड़ा मुकाबला और मजेदार, रोमांचक मुकाबलों में से एक रहेगा ये, 2020 जैसा सीन मजेदार बिल्कुल। और निरंजन सर, राजगढ़, मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री ने राजगढ़ में कोई रैली या सभा नहीं की, हो सकता अगर हुई हो तो आप उसे प्लीज करेक्ट करें। राजगढ़ को लेकर आपका प्रेडिक्शन? देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने तो नहीं कही, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर नंबर 2 माने जाते हैं अमित शाह जी, और अमित शाह जी ने आपको पता ही है कि राजगढ़ के अंदर जाकर के एक स्टेटमेंट दिया था जो काफी वायरल भी हुआ। उन्होंने कहा कि आशिक का जनाजा है, जरा धूमधाम से निकले, तो ये जो स्टेटमेंट दिया था ये काफी वायरल हुआ।
और इसकी कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा इसके ऊपर आपत्ति भी जताई गई और आलोचना भी की गई। लेकिन निश्चित रूप से देखिए, जैसे जिस तरीके से हम राजगढ़ संसदीय क्षेत्र की बात करें तो ये पहले आज के कुछ वर्षों पहले दिग्विजय सिंह जी की कर्म भूमि हुआ करती थी और यहां से जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश को पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति संचालित किया करते थे। लेकिन 2000 के बाद में जिस तरीके से उमा भारती जी ने दिग्विजय सिंह जी को चुनौती दी और कहीं ना कहीं उनसे मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर उनको एक समझ लीजिए किनारे कर दिया और दिग्विजय सिंह जी से मध्य प्रदेश छीन लिया और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश जिसको कहा जाता है कि संघ की जो तीसरी प्रयोगशाला मानी जाती है वो मध्य प्रदेश माना जाता है। उसके अंदर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने आप देख ही रहे हैं कि रोडमल नागर को वहां पे जिस तरीके से स्थापित किया और वो वहां जो एक सामाजिक समीकरण या यूं कहेंगे जातीय समीकरण के हिसाब से भी वो फिट बैठते हैं क्योंकि गुर्जर समाज से आते हैं और जनता के अंदर भी वो पकड़ पूरी पकड़ करके रखते हैं। इसी का परिणाम है आप देखें कि 2009 से पहले जो राजगढ़ सीट कुछ हजार वोटों से निर्णायक हुआ करती थी वो 2014 के अंदर लगभग 2.5 लाख वोटों से और 2019 के अंदर 4 लाख वोटों के मार्जिन से वहां पे जीत का अंतर रहा। इस बार जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां पे दिग्विजय सिंह को जी को चुनाव में उतारा है तो निश्चित रूप से उसी का यह परिणाम है कि जो वोट टर्नआउट जो 2% बढ़ा है कहीं ना कहीं दोनों तरफ से पूरी की पूरी ताकत लगाई गई है कार्यकर्ताओं के द्वारा क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने भी जिस तरीके से अपनी प्रतिष्ठा का क्योंकि उनको लगता है कि चुनाव जीते तो अपनी राजनीति के बल्ले बल्ले अगर हारे तो ये अपना अंतिम चुनाव माना जा सकता है। कई जगह उन्होंने इसकी चर्चा भी की है तो इसलिए पूरी की पूरी ताकत दिग्विजय सिंह जी ने अपनी संकलित करके और वहां पे झोंकी और उसके ठीक है। एक भिंड की हम और बात करेंगे। दिग्विजय सिंह का दरअसल बार बार जिक्र आ रहा है। दिग्विजय सिंह के बारे में एक और खास बात, उन्हीं के दौर में कांग्रेस प्रचंड मतलब मध्य प्रदेश में प्रचंड हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। इसके बावजूद नतीजे से एक दिन पहले नेशनल टीवी में बैठकर कह रहे थे कि कल फिर वही आ रहे हैं। हिस्ट्री भिंड लोकसभा की हिस्ट्री अब आपको बताते थे भिंड में किस तरह की स्थिति आ रही है। भिंड लोकसभा 2004 में 43% से ज्यादा, 2009 में 38% से ज्यादा, 2014 में 46% से ज्यादा, 2019 में 54% से ज्यादा और 2024 में भी 54% से ज्यादा। बहुत मार्जिनल डिफरेंस, लेकिन फर्स्ट डिवीजन पे ये सीट जाती हुई नजर नहीं आती। ये सबसे बड़ी हैरत की बात है। वोट शेयर जान लीजिए। भिंड लोकसभा 2004 में 38% से ज्यादा बीजेपी के पास, 37% से ज्यादा कांग्रेस के पास। 2009 में 43% से ज्यादा बीजेपी, 39% से ज्यादा कांग्रेस। 2014 में 55% से ज्यादा बीजेपी, 33% से ज्यादा कांग्रेस। 2019 में 54% बीजेपी के खाते में, 34% से ज्यादा कांग्रेस के खाते में आए हैं। ये भिंड लोकसभा की स्थितियां हैं। भिंड लोकसभा इस वजह से भी हाई प्रोफाइल है, सिंधिया घराने से भी यहां कई बार कैंडिडेट आया है। भिंड लोकसभा 2004 6000 समझ लीजिए 7000 का मार्जिन, 2009 में 18000 का मार्जिन, 2014 में मार्जिन बंपर हो जाता है तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर और 2019 में यह पहुंच जाता है 2 लाख के आसपास। ये भिंड लोकसभा की स्थितियां हैं। जीत का मार्जिन आपने समझ लीजिए, कौन कब जीता ये जान लीजिए। रामलखन सिंह 2004, अशोक अर्गल 2009, भागीरथ प्रसाद, बहुत दिलचस्प है इनकी पूरी हिस्ट्री जो है भागीरथ प्रसाद की, और शिमला प्रसाद के पिता हैं ये, वो एसपी भी हैं, अभिनेता भी हैं, आईपीएस भी हैं। संध्या राय 2019, और संध्या राय को ही इस बार मौका दिया गया है। लंबे अरसे बाद ये हुआ, कई सालों बाद ये हुआ कि संध्या राय को कोई मौका दिया गया था, किसी महिला को मौका दिया गया था भिंड से। कुल चुनाव 16 हुए हैं, बीजेपी के खाते में 9, कांग्रेस के खाते में 5, जनसंघ के पास 1, जनता पार्टी के पास 1 कामयाबी। 16 चुनाव में किसको क्या मिला वो हम आपको बता रहे हैं। भिंड लोकसभा का जो ट्रेंड रहा है, अब जातीय समीकरण फटाफट जान लीजिए। ब्राह्मण है 3 लाख से ज्यादा, क्षत्रिय 3 लाख, दलित 3 लाख, वैश्य 1.5 लाख, अन्य 2.5 लाख। अब एक बात और, ये जो आप देख पा रहे हैं दलित 3 लाख, अगर कोई गणित यहां पर होता है तो वो गणित इसकी वजह से होगा और हाथी की वजह से होगा। बहुत दिलचस्प, चूंकि यहां पर समीकरण बन गया जातीय समीकरण, ये हमने आपको बता दिया किस तरह का जातीय समीकरण यहां पर रहा है। अब आमने सामने कौन है, संध्या राय बीजेपी की तरफ से, फूल सिंह बरैया, ये लोगों गलत लग गया है, आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं है, वो कांग्रेस की तरफ से है। फूल सिंह बरैया वो नेता है जिन्होंने बीएसपी के कैडर को पूरा खड़ा किया, बहन जी से नाराज हो गए। अब फूल सिंह बरैया की टेंशन बढ़ा कौन रहा है, जरारिया बढ़ा रहे हैं, देवाशीष जरारिया नाराज हो गए थे इन वक्त पे।
मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर मेहमानों का रुख करेंगे, अनिल सर के पास पहले चलेंगे भिंड लोकसभा की स्थितियों को समझने के लिए। अनिल सर, फर्स्ट कमेंट आपका भिंड लोकसभा। हाँ ललित जी, बिल्कुल जो आपने अभी, हाँ ललित जी अभी आपने कहा कि संध्या राय को मौका मिला महिलाओं को किसी को, बिल्कुल सही बात है। इससे पहले यहाँ राजमाता विजय राय सिंधिया सांसद रह चुकी हैं और उसके बाद उनकी बेटी भी चुनाव लड़ी थी वसुंधरा राजे, वो चुनाव हार गई थी। उसके बाद ये तीसरी बार इनको टिकट मिला और चौथी बार है। और निश्चित रूप से ये भाजपा का गढ़ है। 1967 के बाद जब से जो है जनसंघ बना, उसके बाद भाजपा बनी, लगातार भाजपा और जनसंघ के सांसद रहे। केवल दो बार यहां पे कांग्रेस जीती है, 1984 और 1980। निश्चित रूप से भाजपा का गढ़ है। अब यहां इस बार जो आपने अभी 2004 का आंकड़ा बताया था, निश्चित रूप से 2004 में अच्छी टक्कर हुई थी यहां बीजेपी और कांग्रेस की। यहां के लोकल नेता सत्य प्रधान मैदान में थे। उसके बाद जब यहां बाहर के प्रत्याशी आए, उनको मुक्की खानी पड़ी। वर्तमान स्थिति पर अगर अपन गौर करें तो यहां से संध्या राय एक व्यावहारिक रूप से जिनका चेहरा काफी साफ सुथरा है, पर फिर भी लोगों को चिटिंग के नाते कुछ विरोध था। लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं फूल सिंह बरैया, वो यहां से लगभग इस भिंड और ग्वालियर मिला के 16 चुनाव लड़ चुके, 15 चुनाव विधानसभा लोकसभा मिला के, वो दो बार उनको मिला है लाभ। इस बार वो भांडेर से विधायक है और कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया है। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ये अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन इनके बलबोले पर और इनके जो विवादित जातिगत जो बयान आते रहते हैं, उससे लोगों में नाराजगी भारी है, जिसके चलते कांग्रेस को एक बार आपने और कही जरानिया से नुकसान झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कांग्रेस में इनका जो पुराने जो बीएसपी नेता है, कार्यकर्ता है, वो जरारिया जुड़े हुए हैं, लेकिन नई टीम है वो जरारिया के साथ है। और जरारिया ने भी अच्छा मार्जिन लिया था 19 में, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया और उनको टिकट नहीं दिया। इसकी बात की नाराजगी उनके समर्थकों में भी थी और बसपा के अन्य लोगों में भी थी। तो उसका फायदा निश्चित रूप से बीजेपी को भी मिलेगा। और इस बार निश्चित रूप से मुझे लगता है कि संध्या राय का मार्जिन जीत का कम हो सकता है, लेकिन भाजपा का यहाँ पड़ना भारी है। जी जी, तो भाजपा को एज मिला हुआ है, लेकिन संध्या राय को वोटों का नुकसान भी नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, निरंजन सर से कम्युनिकेशन टूट गया था।